नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2% 3% 2.5% करके दोस्तों देखा जाए तो आज जो है कि 600 के आसपास कंपनी ट्रेड हो रही। हालांकि दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि इस कंपनी में 3% की तेज़ी देखने। देखिए दोस्तों, ये कंपनी निफ्टी 50 में है और कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी निफ्टी 50 में 3% की भी अगर तेज़ी दिखा रही तो टॉप गेनर में आप इसको कंसीडर करते हैं। वही भी दोस्तों, इस कंपनी में जो सबसे बड़ा गुड न्यूज इस समय निकल के आ रहा है, आपसे बता देते, कंपनी जो है कि मतलब देखा है तो रिसेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रही है। तो अभी तक फोर व्हीलर पर जो है कि कंपनी ध्यान दे रही थी, लेकिन अभी रिसेंट की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल पर दोस्तों कंपनी ध्यान दे रही, मतलब पैसेंजर व्हीकल अभी ख़त्म। हालांकि दोस्तों पैसेंजर व्हीकल पर कंपनी का काम चालू ही है और कंपनी करती ही रहेगी कंपनी काम, लेकिन दोस्तों बता देते कि अभी जो कंपनी का काम है मेन कमर्शियल व्हीकल पे कंपनी फोकस करेगी। तो आने वाले समय में दोस्तों कंपनी के ऊपर मतलब और भी फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो मेरा टारगेट प्राइस है, हो सकता है कि कंपनी 1000 तक भी जा सकती है, लेकिन हाँ 1000 में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। वही भी बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अभी बाइंग करना चाहते थे, स्टॉक जो है कि टॉप पे है, तो क्या मैं बाइंग करूँ? तो हालांकि दोस्तों जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे टाटा मोटर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन 3% की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन हाँ कुछ इन्वेस्टर को हो सकता है कि ये तेज़ी कम देखने को मिले। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर कंपनी के आप यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग देखें दोस्तों, तो उसके नीचे ही ये कंपनी जो है कि कई बार अप्स एंड डाउन्स किया, एक फ्लैट आप कह सकते हैं, उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिलती है, वापस जो है कि इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम कंपनी के आज की हाई की बात करें, 83.95 रुपये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों तो 583.95 रुपये ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों 52 वीक हाई की बात करेंगे तो ये कंपनी 300-400 के आसपास भी मतलब चल रही थी। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल में कंपनी लगभग 46% का रिटर्न बना के दिया है, और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में कंपनी ने लगभग देखा है तो 90% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि यहाँ पे आपको जो है कि 5 साल में 90% दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से अगर हम लो से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी लगभग 600-700% का रिटर्न बना के दिया है। इस चीज़ को मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 100 रुपये के नीचे भी किसी समय में ट्रेड किया था। कोविड की बात करें तो कोविड में 100 रुपये के नीचे भी ये कंपनी आई हुई। मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1700% का कंपनी रिटर्न बना के दी। हालांकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी मतलब जो ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों, सभी के आपको चार्ट जो है कि इसी टाइप के देखने को मिलेंगे जिस टाइप के आपको टाटा मोटर्स के देखने को मिल रहे हैं। वही भी दोस्तों, इस कंपनी में जो सबसे बड़ा इस समय न्यूज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टाटा मोटर्स स्ट्रक्चर्स ट्रक एंड बस के ऊपर अभी इस समय जो कि मतलब कंपनी अपना फोकस बना के चलेगी, जो कि फ्यूचर्स दिख रहा है दोस्तों उसके मतलब देखा है तो ये न्यूज़ बहुत बड़ा है। अगर हम इसको क्लिक भी कर देते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत बड़ा न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि राजेश कौशल मतलब देखा है तो बहुत सारे ऐसे जो कि विनय पाठक, तमाम लोग आपको देखने को मिलेंगे, और न्यूज़ भी बहुत काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस समय ये कंपनी जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो फोकस पे रखे जाने वाली कंपनी आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? कि क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मेन फोकस बना के चल रही है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है कि लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल इंडिया की दोस्तों व्हीकल मेकर्स। पॉजिटिव साइन है दोस्तों, कंपनी बहुत सालों के बाद आप कह सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में आई हुई। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, कंपनी का जो 35% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप देखने को मिला है, नेट इनकम देखेंगे 625% जंप है, ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 625%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 500% का ग्रोथ देखने को मिला। हालांकि दोस्तों अगर हम वहीं पर ईपीएस अर्निंग मतलब जो कि इस्टीमेशन की बात करें तो अपने को डाउन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस समय जो रिसेंट में स्टॉक जो कि मतलब फोकस वाले हैं दोस्तों, 4 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 वाले, जो कि 52 वीक हाई लगा है, उसमें HCL और टाटा मोटर्स का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो HDFC AMC की बात करें तो आज के दिन टॉप मतलब हाई कह सकते हैं, ICICI बैंक मतलब तमाम ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो कि देखिए सबसे पहले बताते हैं टाटा मोटर्स भी एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि न्यूज बेस वाला स्टॉक कर सकते हैं, या ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आज के दिन कंपनी ने एक 52 वीक हाई लगाया है। 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको 20 जून 2023 ही देखने को मिलेगा। लो की बात के 26 दिसंबर 2022 को ये कंपनी 375 रुपये के आसपास चल रही थी। हालांकि दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कंपनी एक ट्रेडिंग वाला मतलब स्टॉक कह सकते हैं, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1.5 करोड़ के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाएगी, जो कि 60 लाख आप कह सकते हैं शेयर उठाए गए हैं।
हालांकि दोस्तों जो कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी के पास ग्लोबल लेवल से, मतलब देखा जाए तो जियोग्राफी में देखेंगे दोस्तों, जगुआर लैंड रोवर से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, जो कि GLR की बात करें तो 67% का रेवेन्यू दोस्तों मात्र इसी कंपनी से आता है, जो कि ये कंपनी चाहे तो इस कंपनी को प्रॉफिट में भी ला सकती है और ये कंपनी चाहे तो इस कंपनी को लॉस में भी ला सकती है। यहाँ पर अगर आप कंपनी के बिजनेस को भी देखें दोस्तों, तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस कोई भी ऐसा देश, मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि इस कंपनी का बिजनेस आपको देखने को UK, साउथ कोरिया, अफ्रीका, चाइना, सब जगह जो है कि इस कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये कंपनी पहले जो है कि 1,00,000 करोड़ के आसपास थी और अभी देख सकते हैं कि सीधा डबल हो गई है, 2,00,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी के अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि अपने फ्यूचर में जो है कि कुछ प्रॉफिट, मतलब देखिए प्रॉफिट क्या होगा रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, स्प्लिट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, तो कंपनी तो अच्छा करना चाहिए। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो 3 देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की आप कह सकते हैं कि मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, मतलब 1 है या 1 है दोस्तों तो अच्छा माना जाता है, यहाँ पे तो 3 है, सीधा 3 गुना, तो ये सबसे बड़ा रिस्की आप कह सकते हैं। प्रमोटर की बात करें 47% का स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों देखिए डेट कंपनी के ऊपर कितना भी हो जाए, कंपनी में कितना भी निगेटिव आ जाए, लेकिन हाँ जो कंपनी का इस समय सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट से कंपनी डबल डिजिट में आई और सीधा जो है कि अभी डबल चल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पहले कंपनी माइनस में थी, उसके बाद प्रॉफिट में आई और अभी देख सकते हैं कि 123% 125% का जंप देखने को मिल रहा है। CGR की भी बात करें तो कंपनी, हालांकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये सारे जो है कि लॉन्ग टाइम में सुधरते हुए दिखते हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अभी कंपनी जो है कि प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही भी डेट की बात करें, जैसा कि हमने आपसे बताया कि देख सकते हैं कि 1,50,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को डाउन होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये भी देखा है तो इस समय एग्रेसिव होकर काम कर रही है, मतलब जिस प्रकार से कंपनी से उम्मीद रखा जा रहा है तो उस हिसाब से कंपनी भी काम कर रही है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो कि प्रमोटर के पास 46% का स्टेक है। FIs की बात करते हैं, FIs ने बाइंग किया, DIs ने बाइंग किया, और रही बात पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है चाहे तो रैली का एंजॉय ले सकते हैं। हालांकि आप देख भी सकते हैं किस कंपनी का जो पहले का पुराना लेवल था दोस्तों 600 का, अभी कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं कंपनी चल रही है। वही बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों इस कंपनी को भी अगर आप फ्यूचर मानते हैं तो चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव होकर काम कर रही है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो कोई भी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर कोई लॉन्च करने वाली है, सबसे पहले लाने वाली है दोस्तों, हालांकि ये मार्केट है, मार्केट में और सारे होंगे कंपटीशन, पहले कोई और लाया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ दोस्तों भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है। तो इस पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो करंट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर गिरावट होती है स्टॉक में तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो हो सकता है कि जल्द से जल्द 1,000 के आसपास जा सकता है, जो कि इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे तो 1 में ही लगभग 11-12% का रिटर्न बना के दिया, और देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बहुत ही सडनली तेजी देखने को नहीं मिल रही है, एक धीरे धीरे करके ये कंपनी भाग रही है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़े से टाइम भी लग सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।